नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक तथ्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वादनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर एक पुत्र पैदा हुआ था। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री बने। मोदी पहले से प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली थी। उनमें से एक बच्चा 8 साल का नरेंद्र मोदी भी था। मोदी बचपन में एक्टिंग और नाटकों में भाग लेते थे। मोदी एनसीसी में भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वादनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है। बचपन में मोदी पास के तालाब से मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए थे। बाद में माँ के कहने पर वापिस छोड़कर आए। मोदी का विवाह 18 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया। इनकी पत्नी का नाम जशोदा बेन था। मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी शाकाहारी हैं और सिगरेट शराब को हाथ भी नहीं लगाते। जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी माँ ने कहा था कि बेटा कभी रिश्वत मत लेना। गुजरात के 13 साल के शासन में मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहां सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल है। आरएसएस के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते थे। 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लग गया था। उस समय मोदी सरदार का भेष बदल कर रहते थे। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए की है। नरेंद्र मोदी मोद घांची जाति से संबंध रखते हैं। नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन पीएम बनने के बाद अमेरिका का खुद बुलाव आया था। नरेंद्र मोदी को कई तकनीकों का इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले मोदी ने ही 3D तकनीक का प्रयोग कर भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि वह सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मेवाड़ो की घड़ी पहनते हैं। इस घड़ी की कीमत 39,000 से 1,90,000 रुपए तक के है। एक बात यह भी है कि पीएम उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि वो इसे लकी मानते हैं। नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेमस ब्रांड मो ब्लां के पेन इस्तेमाल करते हैं। मो ब्लां यूरोप में सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वारेन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। पीएम जो पेन यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। नरेंद्र मोदी जो चश्मे लगाते हैं, ना वो बुल्गारी ब्रांड के हैं और बुल्गारी इटली का नंबर 1 ब्रांड है। बुल्गारी का मुख्य नाम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेस में भी कूद चुकी है। इन चश्मों की कीमत 30,000 से 40,000 रुपए होती है। नरेंद्र मोदी के कपड़े बिपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में जेड ब्लू नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद से नरेंद्र मोदी के कपड़े यहीं से सिलते आ रहे हैं। मोदी खुद अपने सूट का फैब्रिक, कलर और डिजाइन सेलेक्ट करते हैं।